रोज हाँ, ये मोदी वो योगी को मुख्यमंत्री के लिए घोषित किया गया है, ये क्या कहना है आपका? नहीं, मेरा ये कहना है जैसे मुसलमानों में थोड़ा सा भय है कि ये सांप्रदायिक बातें करते हैं, पर एक ये मुख्यमंत्री जो होता है ये एक प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है और 19% जो है वोटर्स मुसलमान हैं, उनको उसके बारे में भी सोचना चाहिए, मुसलमानों की एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए, नौकरी के बारे में सोचना चाहिए, जो उनके दिलों में भय है इनको लेके कि ये मतलब मुसलमानों के दुश्मन हैं, कट्टर हैं, इस चीज़ की छवि को उन्हें निकालना चाहिए। इसलिए प्रदेश एक दूसरे ऑस्ट्रेलिया है जैसे और भी देश हैं, उनसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है, इसलिए उन्हें ये सोचना चाहिए कि मतलब ये डर वो भय निकालें। अब जब वो भाषण दें तो ये उस चीज़ को इंडिकेट करें कि जो मुसलमान डर रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ को बना दिया, ये भगवा करण होगा और मुसलमानों को परेशानी होगी, ये भय उनके दिलों से लिख लें। नाम गौहर आदित्य। गौहर आदित्य जी, बताइए कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के लिए घोषित किया है सीएम के लिए जी, उत्तर प्रदेश सरकार जी, तो आपका क्या कहना है? हमारा कहना है, देखिए 1952 के बाद 31 मुख्यमंत्री आ चुके हैं और 32 में शायद योगी जी हैं। 31 मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, सब वोट बैंक बनाया है और डराते रहे फला ये कर देगा फला ये कर देगा। तो योगी जी का भी काम देखना चाहिए और प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है, जो नौकरियां नहीं मिल रही हैं वो नौकरियां मिले सबको, हम लोग जो बेरोजगार हैं अब मुसलमानों के लिए वो क्या कर सकते हैं वो कह के दिखाएं। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि योगी कट्टर हिंदूवाद को लेकर के लाए गए हैं, इससे किसी तरह का कोई आप अनुभव करते हैं क्या? देखिए, ये पद ऐसा है मुख्यमंत्री पद जो प्रदेश की सभी जनता को एक समान लेकर चलना पड़ेगा और इस पोजीशन पे आके आगे देखिए वो क्या करते हैं। और वो पुराने नेता हैं, 5-6 बार संसद बन चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी छवि है उसको लेकर डर तो नहीं है, कुछ भय तो नहीं है? अब देखिए, डर तो किसी को लेकर भी हो सकता है, हर कोई अगर डर के जीने लगे तो उससे क्या फायदा। मोहम्मद फैजान खान, बताइए कि जैसे अब तो वो घोषित हो गए मुख्यमंत्री, हाँ, अब आपको क्या लगता है उन्हें क्या क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें अपनी जो पुरानी जो छवि है मुसलमानों के प्रति उससे उभर के आ जाना चाहिए, जो हुआ एक नई शुरुआत करनी चाहिए, उन्हें उभर के आ जाना चाहिए और ये एहसास दिलाना चाहिए कि जिस वजह से उन्हें वोट मिला है ये पूरा क्लियर हो चुका है कि उन्हें सभी ने वोट दिया है, क्योंकि ऐसी वोट भी उनकी तरफ गया है, यादव वोट भी गया है और मोस्टली मुस्लिम वोट भी उनकी तरफ गया है। और अगर उन्हें पार्टी ने उन पर भरोसा किया है तो ये भरोसा उन्हें कायम रखना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की ये चाल रहती है कि अगर उन्हें सीएम पसंद नहीं आता वो 6 महीने में बदल देते हैं, आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो योगी को ही बदल सकते हैं। तो उनपे ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सबसे ज्यादा उनपे यही ब्लेम लगेगा कि क्या वो माहौल तो खराब नहीं कर देंगे अपने इस यूपी का, और ये समझना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनपे, कंटिन्यू बने रहें, चलते रहें और भरोसा दिलाएं सबसे पहले कि यहाँ का उत्तर प्रदेश का माहौल खराब नहीं होगा, और उन पर भी निशाना रखें जो उनके अलावा साक्षी महाराज हैं शायद उन्नाव के, वो भी कुछ बोलते रहते हैं। और मेन बात तो यही है, हमें अभी तक यही पता नहीं चला कि योगी आदित्यनाथ को बयान के अलावा और क्या चीज़ें आती हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम इसार अहमद है और मैं नहीं मानता हूँ किसी तरीके का कोई भय, कोई किसी को नहीं डरा सकता है और मुसलमान का ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह है और अल्लाह जो करेगा वो अच्छा करेगा। हम किसी योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए नहीं, योगी आदित्यनाथ नहीं, जो भी हो वो उसके दिल में ये हो कि मैं इस यूपी का विकास करूंगा, यूपी को अच्छे रास्ते पे लाऊंगा, कानून का प्रशासन का सही तरीके से उपयोग करेगा, नैतिक अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, मैं उसको मानता हूं कि वो देश का नेतृत्व करे। हिंदू मुस्लिम बाद में है, पहले हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी होने का कर्तव्य उसको निभाना पड़ेगा अपना।